Hi friends, assalamu alaikum, good evening, good night. मेरे पास रात हो रही है तो आज हम लोग कैसल क्रश के चंद मैचेस खेलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग इस गेम को छोड़ते जा रहे हैं, जितने भी बड़े प्लेयर थे स्टैली जिगुई तकरीबन छोड़ते जा रहे हैं ये न्यू अपडेट के बाद। तो इस वक्त मेरी ट्रॉफीज में है वो 4500 समथिंग है। अब अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ, खेलने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ तो भी फोर्ज के बाद ये जो नया सेटअप इन लोगों ने ट्रॉफीज का स्टार्ट किया है उसके बाद मेरी जो ट्रॉफी माइनस होकर हो जाएंगी वो 4158 हो जाएगी। तो इतनी ट्रॉफीज तो हो ही जानी है मेरी, क्यों ना खेलते हैं, ट्राई करते हैं अगर हम लोग मास्टर थ्री में पहुँचने की कोशिश करें। देखते हैं मास्टर थ्री में पहुँचते हैं तो क्या होता है। सीज़न वैसे ही 3 दिन में एंड होने वाला है और 3 दिन बाद 4100 पे मैं आ जाऊंगा। तकरीबन 4100 के करीब जो है वो ट्रॉफीज मेरी माइनस हो गए आ जाएंगी। तो बेहतर है खेलते हैं तो 4600 हो जाए तो मैड भी पॉसिबल है, उसके बाद जब माइनस होंगी ट्रॉफीज वगैरह तो 4200 पे मैं आ जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट मैच खेल के देखते हैं। अभी इतनी ट्रॉफीज रखने का वो है नहीं, 3 दिन बाद सीज़न एंड हो जाना है और 4100 समथिंग पर मैं आ जाऊंगा। खेलते हैं या हार के माइनस हो जाएं या वहाँ माइनस हो जाएं, एक ही बात है। ओके जी, लगता है रश डेक है। रश डैक है और मुझे लगता है होपफुली हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा गार्ड है, लगता है प्लेयर पागल है, समझ नहीं आ रहा उसने कहाँ फेंकना कहाँ नहीं फेंकना। चलिए जीत गए, पहला मैच जीत गए हम लोग 4546 ट्रॉफीज के करीब आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरे वहाँ से भी माइनस में बढ़ जाएंगी ट्रॉफीज। अब जो मेरी माइनस होके ये फोर सिस्टम के बाद दोबारा रिफ्रेश होगा गेम तो 4171 ट्रॉफीज रह जाएंगी अगर मैं यहीं गेम छोड़ देता हूँ खेलना। इन्हीं ट्रॉफीज़ पर अगर मैं रहने देता हूँ तो उसके बाद मेरे जो ट्रॉफीज़ हैं वो 4173 रह जाएंगी। तो बेटर है खेलते हैं, कम से कम मास्टर टू में तो आएंगे। दोनों जर्मनी, लेकिन मेरा ताल्लुक जर्मनी से नहीं है। स्कल क्वीन डेक, इस डेक से मुझे बड़ा डर लगता है। शुक्र है वो डेक नहीं है। बेसिकली रश डेक से मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगता, इन लोगों को हराना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। भाई साहब ने अपना इन्फर्नो जाया कर दिया। हम्म,
लगता है वैसे मैंने शायद गलती की है। शिट, होपफुली ये मैच भी जीत ही जाएंगे हम लोग। विन, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। अभी भी 4600 से पीछे हैं। अगर ये वाला मैच विन हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे हम लोग। मुझे लगता है मास्टर 3 में आ जाएंगे। इस कलकुन का डेक ना, उस डेक से मुझे बड़ा डर लगता है, और तुर्किश और ये अरबी लोग बहुत ज़्यादा उसी डेक के साथ खेलते हैं। इस कलकुन डेक ये होता है डेक। ये डर था, बेसिकली काउंटर अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि पूरे दिन में एक मैच जीतने को मिलता है, तो उसी मैच में जो है ये हंस खेल लेते हैं जरा। ट्राई करते हैं जी, जैसे कहा था इस डेक से मुझे बहुत डर लगता है। मोर देन 90% स्किल क्यों डेक से मैं हार जाता हूँ इस डेक से। मैं डेक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली पावर डेक है, रश डेक मुझे खेलना पसंद है नहीं। ये मेरा पावर डेक है, इसको मैं इस तरह यूज कर रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम। 3 दिन बाद वैसे ही ट्रॉफीज माइनस हो जाएंगे, तो वाई नॉट खेल के लूज की जाए अगर लूज होती है तो।
सब एक ही लाइन में उतारना है, वन लाइनर। तेरी खैर, ये कहां से आ गया? वैसे ड्रैगन की जरूरत नहीं थी। चलिए एक और मैच जीत गए, सिर्फ 14 ट्रॉफीज मोर चाहिए हम लोगों को। वेरी गुड, आप लोग बताइए जरा कमेंट्स में और कि कैसा आप लोगों को लगा नया जो फौज का सिस्टम शुरू किया। बेसिकली इसके पीछे जो इनका जो मुझे लगता है ना स्टार्ट करने का मकसद ये था कि बहुत सारे पुराने प्लेयर जो ऐसा गेम छोड़ गए थे लेकिन उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई थी, उनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, तो वो टॉप पे ही शो हुआ करते थे। नए खेलने वाले प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपनी रैंकिंग्स को बढ़ाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। तो कैसल क्रश की डेवलपर्स टीम ने माइट बी पॉसिबल है ये इसलिए शुरू किया हो कि जो गेम छोड़ के जा चुके हैं प्लेयर्स उनकी कम से कम। समाओ जी, मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, एक मैच हम लोग और हार गए। नो प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। बड़ा बेकार डेट है, माना नहीं छोड़ फिर इस कल को इंडेक आ रहा है। अरे भाई दो दो एंजल है मेरे पास, दो दो एंजल है मेरे पास, क्या निकालूं? इसके अलावा तो कुछ रहा नहीं है मेरे पास। लो जी फील मैकर्स, आ गई जी। स्कल कॉइन जिससे डर लगता है वही आफत आ गई। शिट ना जी, स्कल कॉइन से नहीं जीतता मैं, हार गया। स्कल क्वीन डेक जो है मेरे लिए नाइटमेयर है, हार गया। और स्कल क्वीन डेक से मैंने खेलने की कोशिश जितनी बार की है उसमें भी हार जाता। लेट्स सी, रश डेक हो
Hello. Hello. एक और रश डैक होपफुली टाइम पर आ जाए। कुछ तो आ जाओ। अरे भाई कोई मनुष्य कार्ड आ जाए। सिर्फ आर्ट ट्रॉफीज, कैसल क्रश या आर्ट ट्रॉफियां दे दे। एक और इस डेक ले आओ, स्कल क्वीन डेक ना हो बस। मेरे कार्ड देखी कैसे हैं। विंड बहुत जरूरी है। ओवर टाइम डेक लग रहा है। आजा, ओह शिट, हूँ मेरे अब बने जितना गलती हो गई।
ये करना नहीं था लेकिन हो गया। हाय हाय हाय, मैंने पहले डाला था। अच्छा खासा जीता जिताया मैच हार गए। नो प्रॉब्लम। स्किल कोई Calquin. See? Hopefully, we will win this. Yes. कितना दिन कर रहे हैं? चार चार ट्रॉफी पे रुकवा रहा हूँ, खेलता रहूंगा जब तक 4600 ओवर नहीं आता। Okay, no problem. So far, so good. Shit, man. Yes.
बचत। यस हाँ, तो जी वी आर इन मास्टर थ्री, तो इनाम भी बड़े बड़े मिलेंगे। ओके, रिवॉर्ड क्या है? 25 क्रिस्टल बैग मिलेंगे जी, इसमें पॉसिबिलिटी है ये सब कुछ निकले, और 5,000 बहुत दूर है 5 के लिए, मेरा नहीं ख्याल खेलना चाहिए। अगर ट्रॉफीज माइनस में गई तो मैं दोबारा मास्टर टू में आ जाऊंगा, उसमें 20 क्रिस्टल मिलने हैं, 20 क्रिस्टल से बेहतर है 25 पे शुक्र किए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकूं। मोटिवेट कीजिएगा, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो गेम भी आगे बढ़ेगा और आपके लिए न्यू ट्रिक्स और न्यू डेक्स, पावर डेक्स, रश डेक सारे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दुआ में यार।